आज का हमारा टॉपिक है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरी। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, कांस हाइपोथेसिस, लैपलेस हाइपोथेसिस, पेनटेसिमल हाइपोथेसिस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मास फिस्टिंग। ये सब टॉपिक आपको ऊपर आई कॉर्ड का जो ऑप्शन है वहां मिल जाएंगे, आप सबसे पहले वो भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस टाइडल हाइपोथेसिस के ऊपर बेस है। जो दिया किसने था? जेम्स जीन्स ने, और उसको मॉडिफाई किया जेफरी ने। सो इन दोनों के नाम पर इसको कहा जाता है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरी। देयर आर टू साइंटिस्ट, वन इज सर जेम्स जीन्स। इन्होंने इसको प्रपोंड किया, शो किया, रिप्रेजेंट किया 1990 के अंदर, 1919 के अंदर। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के ही, हैरोल्ड जेफरी। उन्होंने 1929, डेट्स में कुछ इख्तलाफात हैं, कई बुक्स पर डेट्स अलग अलग लिखी हुई हैं, 1926 लिखी हुई है, कहीं पर 1920 लिखी है, सो दीज आर मोर रेलिवेंट्स। सर जेम्स जीन्स ने 1990 में इसको प्रपोंड किया और इसको मॉडिफाई किया हैरोल्ड जेफरी ने 1929। मॉडिफाई क्यों किया? इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रेलिवेंट, मोर सिग्निफिकेंट, इसके अंदर जो वीक लिंक्स हैं उनको दूर करने के लिए। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, सो इन दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज। व्हाई वी से टाइडल? टाइडल समथिंग लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइडल फोर्स भी एक किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। और हाइपोथेसिस इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहते हैं जो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हो। इसका मतलब टाइडल हाइपोथेसिस है, सो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। और एक बात, दूसरी बात, ये ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस वाले वीडियो में कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ढेरों तरीके के होते हैं, लेकिन मेन दो तरह के होते हैं, एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, एक ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, और एक तीसरा भी होता है टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट, ट्राईहेड्रल कॉन्सेप्ट सॉरी। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में एक पेरेंट होता है, मोनो मीन वन और पेरेंट मीन एक, यानी मोनो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में एक चीज लेंगे हम, एक चीज से पूरा सोलर सिस्टम बने। जैसे कि कांत और लैपलेस में एक नेबुला था, उस नेबुला से पूरा सोलर सिस्टम बना। सो कांत हाइपोथेसिस और लैपलेस हाइपोथेसिस वो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें दो चीजों से कोई पूरी थ्योरी डेवलप हो जाए। जिस तरीके से प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में एक प्रोटोसन था, एक इंट्रूडिंग स्टार था, तो दो चीजों की मदद से, दो हेवनली बॉडीज की मदद से पूरा सोलर सिस्टम बन गया। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट को ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये भी ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिया किसने था? जेम्स जीन्स ने और जेफरी ने, और ये ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले देखने जेम्स जीन्स ने क्या कहा था और फिर जेफरी ने इसमें क्या मॉडिफिकेशंस की थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेम्स जीन्स बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होगा। तो जेम्स जीन्स ने कुछ चीजें अज्यूम की। अब देखते हैं जेम्स जीन्स ने कौन कौन सी चीजें अज्यूम की थी। तो उसने कुछ अजम्पशंस की। तो सबसे पहली अजम्पशन जो उसने की, वो उसने कहा जो हमारा सोलर सिस्टम है, और याद रखें ये थ्योरी किसके बारे में, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में, कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। तो उसने कहा कि हमारा सोलर सिस्टम, क्योंकि ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, सो दो चीजों से मिलके सोलर सिस्टम बना। एक का नाम दिया उसने प्रोटोसन, एक का नाम दिया इंट्रूडिंग स्टार। दिस इज इट्स फर्स्ट अजम्पशन कि द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू हेवनली बॉडीज, वन इज प्रोटोसन एंड अदर इज इंट्रूडिंग स्टार। और उसने दूसरी बात कही ये कि जो प्रोटोसन था वो एक इनकैंडिसेंट, एक जलता हुआ गैसियस मास था, गैसियस गैस, गैस का बना हुआ। और आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ पूरा ध्यान समझने पे लगाएं। तो प्रोटो सन गैसियस था। ठीक है, ये इसकी दूसरी अजम्पशन थी। पहली अजम्पशन क्या थी कि दो चीजों से मिलकर बना, और जो प्रोटो सन था वो गैसियस था। और इंट्रूडिंग स्टार की क्या खास बात थी कि वो मच बिगर इन साइज, मच बिगर इन साइज देन दिस प्रोटो सन। प्रोटोसन से बहुत बड़ा था इंट्रूडिंग स्टार, मेनी टाइम्स बिगर देन दिस प्रोटोसन। प्रोटोसन छोटा था, इंट्रूडिंग स्टार बड़ा था। ठीक है, दिस इज थर्ड अजम्पशन।
फर्स्ट अजम्पशन इज सोलर सिस्टम जो है दो हेवनली बॉडीज से मिलकर बना, एक हेवनली बॉडी गैसियस थी, एक हेवनली बॉडी बहुत बड़ी थी उस गैसियस हेवनली बॉडी से, यानी प्रोटोसन से इंक्लूडिंग स्टार बहुत बड़ा था। अगली अजम्पशन उसने ये की कि जो प्रोटोसन था वो स्टेशनरी था। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पे रुका हुआ था, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था लेकिन रिवॉल्व नहीं कर रहा था। यहाँ स्टेशनरी का मीनिंग उसने ये लिया, ठीक है। ये अजम्पशन भी की उसने कि ये स्टेशनरी था, दिस इज योर प्रोटोसन, दिस योर पी सन मीन्स प्रोटोसन, ये स्टेशनरी था, और कहा इंट्रूडिंग स्टार लगातार इस यूनिवर्स में घूम रहा था, ठीक है, लगातार इस यूनिवर्स में, दिस इज थिंक इट एज इंट्रूडिंग स्टार आई स्टार, तो इस पूरे यूनिवर्स में ये स्टार घूम रहा था, और इस तरीके से घूम रहा था ये स्टार, इस तरीके से घूम रहा था इस यूनिवर्स के अंदर कि इसके करीब धीरे धीरे इसके करीब आ रहा था। ये उसने अजम्पशंस की, पांच अजम्पशंस की। द फर्स्ट अजम्पशन इज दो हेवनली बॉडी से मिलकर बनी, प्रोटोसन एंड इंक्लूडिंग स्टार। अजम्पशंस क्यों की? क्योंकि हाइपोथेसिस है तो इसकी फाउंडेशन जो अजम्पशन के ऊपर बेस होगी, तो दो चीजों से मिलकर बनी। पहली अजम्पशन थी एक गैसियस थी, दिस इज सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन जो दूसरी चीज थी वो बहुत बड़ी थी, यानी इंक्लूडिंग स्टार बहुत बड़ा था प्रोटोसन से, इसकी तीसरी अजम्पशन थी। चौथी अजम्पशन थी कि प्रोटोसन स्टेशनरी था, और पांचवी अजम्पशन ये थी कि इंक्लूडिंग स्टार लगातार घूम रहा था, और इस रास्ते में घूम रहा था कि धीरे 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 वो प्रोटोसन के करीब आ रहा था। दिस इज इट्स अजम्पशंस। तो अजम्पशंस का खाता हो गया क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस कि आगे हुआ क्या। तो आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब इन अजम्पशंस के बाद उसने कहा कि इंट्रूडिंग स्टार जो है वो इस पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है, और इस तरह के रास्ते पे घूम रहा है कि वो धीरे 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 प्रोटोसन के करीब आ रहा है। अब आपको पता है कि इंट्रूडिंग स्टार को हमने अज्यूम किया कि मच बिगर देन दिस प्रोटोसन, सो जो जिस चीज का मास ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है मासेस के ऊपर, इनवर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। मीन्स व्हेन मासेस इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। यानी जिसका जितना ज्यादा मास उसकी उतनी ज्यादा फोर्स। अब ये बड़ा है इसका मतलब ये धीरे धीरे इसके करीब आ रहा है, और ये बहुत बड़ा है इसका मतलब इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो जब ये इसके करीब से गुजरा, देखो जेम्स जीन्स ने क्या कहा, आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं उन सब के आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन आपने पेशेंस रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जेम्स जीन्स ने कहा क्या, जीन्स ने कहा क्या, फिर हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, और आपके सारे जो आपके दिमाग में क्यों वाई का लफ्ज आ रहा है वो नहीं आएगा इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेकिन आप पहले इसको ध्यान से देखें कि जेम्स जीन्स ने क्या कहा। अभी हम जेम्स जीन्स की बात कर रहे हैं, अभी हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं अभी तक। अब जो वो कह रहा है पहले हम वो देखते हैं उसने कहा क्या। उसने कहा इंट्रूडिंग स्टार इस पूरे यूनिवर्स में घूम रहा था, चलते 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 उसके करीब आया और करीब से गुजरा, करीब आके उसको देखता नहीं रहा बल्कि करीब से गुजरा, और कहता जब वो उसके करीब से गुजरा तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इनफैक्ट ड्यू टू द लार्ज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय दिस इंट्रूडिंग स्टार, इसमें से एक मटेरियल इजेक्ट हुआ, प्रोटोसन में से एक मटेरियल, क्योंकि प्रोटोसन गैसियस था सो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स को हम टाइडल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोटोसन, तो जब वो उसके पास से गुजरा तो इसमें से एक मेटल निकला, मैटर निकला, MATER, किस शेप का, सिगार शेप्ड का, यानी साइडों से थिन सेंटर से थिक, जस्ट लाइक द कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके का एक मैटर निकला, जिस मैटर का इसने नाम रखा फिलामेंट, ठीक है। अब ये इस तरीके का क्यों निकला इसका जवाब भी मैं अभी आपको दूंगा। उसने कहा इस मैटर में कंडेंसेशन हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई, कूलिंग हुई, और इस मैटर से हमारे नौ के नौ प्लैनेट्स बने। दिस इज द थ्योरी ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स, सो सिंपल। ये उसने कहा, क्या कहा, एक इंट्रूडिंग स्टार था लगातार घूम रहा था इस पूरे यूनिवर्स में, इनफाइनाइट यूनिवर्स, यूनिवर्स की लेंथ कितनी, इनफाइनाइट, और धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, हर दिन एक
एक बड़े रेट से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और इस पूरे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के अंदर इंट्रूडिंग स्टार था जो घूम रहा था, प्रोटोसन था जो अपनी जगह पर खड़ा था। इंट्रूडिंग स्टार इस तरीके से घूम रहा था कि धीरे 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 उस प्रोटोसन के करीब आ रहा था, और जैसे वो इसके करीब से गुजरा तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसमें से एक फिलामेंट निकला, जबकि शेप का था सिगार शेप का मैटर था। यही मैटर कंडेंस्ड हुआ, यही मैटर बिल्डिंग ब्लॉक बना प्लैनेट्स का, इसी मैटर से हमारे प्लैनेट्स बने, यानी इसी फिलामेंट से हमारा सोलर सिस्टम बना। और ये मैटर जब से इजेक्ट हुआ तो इसके इर्द गिर्द घूमने शुरू हुआ, और इससे 8 प्लैनेट बने तो वो भी प्रोटोसन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ये उसकी थ्योरी थी जेम्स जीन्स की। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अब जब उससे क्वेश्चन हुआ और आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि सिगार शेप्ड का मैटर क्यों निकला, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने इसका रीजन बताया, तो मैं भी आपको इसका रीजन बताता हूं कि सिगार शेप्ड मैटर क्यों निकला। तो सिगार शेप्ड का मैटर क्यों निकला, तो इसका रीजन ये बताया, और इसके रीजन को एक्सप्लेन करते हैं हम 3 स्टेप्स के अंदर। देखो, चूंकि स्टार इंट्रूडिंग स्टार लगातार घूम रहा था यूनिवर्स में, इट केप्ट वंडरिंग द यूनिवर्स, लेकिन जब क्या हुआ कि इसके करीब आ रहा था वो, तो जब वो फर्दस्ट डिस्टेंस पे था, जब उससे सबसे ज्यादा दूर था, इतना दूर नहीं कि फोर्स ही नहीं लगा रहा, इतना दूर कि इस पर इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन चूंकि दूर था सो इसकी, अब आपको बताया मैंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस पे इनवर्स डिपेंडेंस रहती है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगी, सो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा था फोर्स कम थी, तो एक स्मॉल मटेरियल इजेक्ट हुआ, छोटा सा मटेरियल इजेक्ट हुआ, ठीक है ना, छोटा सा मटेरियल इजेक्ट हुआ। दिस इज स्टेप नंबर 1। इन स्टेप 2, जब वो उसके करीब आया दूसरे केस में, यानी जब वो दूर था, अब उसके करीब जब पहुंच गया, बिल्कुल करीब, इन मैक्सिमम फोर्स जब इस इंट्रूडिंग स्टार ने इस पर इजेक्ट की, तो एक बड़ा मटेरियल इसमें से निकला, ठीक है। पहला स्मॉल था, फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्मॉल, देखो ये टेल इसकी छोटा मटेरियल था, लेकिन चूंकि इसके करीब आया तो जबरदस्त फोर्स, एक ज्यादा फोर्स इस पर लगी, तो आगे बल्क में इसका मैटर जो है टाइड की तरह ऊपर हुआ, एक बल्क में इसका मैटर निकला। और चूंकि तीसरे स्टेप में आया, दूर था, पास आया, फिर दूर चल के निकल गया पतली गली से, सो तीसरे स्टेप में क्या था, तीसरे स्टेप में जब वो वापस दूर जाएगा, असल में यहां पर जगह कम है, तो थर्ड स्टेप में मैं बनाता हूं, थर्ड स्टेप के अंदर जब वो वापस दूर चला गया, फर्स्ट मटेरियल जो निकला बहुत स्मॉल था, सेकंड यानी सेंटर पोर्शन बड़ा निकला क्योंकि वो करीब आ गया तो बड़ा निकला, और जो थर्ड वाला पोर्शन था, थर्ड पोर्शन वापस स्मॉल पोर्शन निकला, ठीक है ना, क्योंकि वो दूर चला गया वापस, जब दूर गया तो ड्यू टू लो ग्रेविटेशन फोर्स जो मैटर इजेक्ट हुआ वो स्मॉल हुआ। दीज आर द 3 स्टेप्स। तो जो मैटर निकला वो किसी शेप का निकला, यानी पहले छोटा, फिर मोटा, फिर बाद में वापस छोटा, तो इस तरह की मैटर, यानी सिगार शेप्ड मैटर उसमें से निकला। तो इसी, अब ये मैंने रीजन बता दिया कि क्यों सिगार शेप्ड मैटर इजेक्ट हुआ। अब इससे प्लैनेट्स कैसे बने वो देखिए, जेम्स जीन्स ने बताया कि इससे प्लैनेट्स कैसे बने। तो जो सिगार शेप्ड मैटर निकला वो इस प्रोटोसन से डिटैच हो गया, जब इंट्रूडिंग स्टार ने फोर्स लगाई, दूर गया तब भी फोर्स लग रही थी, तब भी लग रही थी, तो ये इससे डिटैच हो गया उस इंट्रूडिंग स्टार की फोर्स की वजह से। डिटैच होने के बाद ये, क्योंकि इस सन के ऑर्बिट में आ गया, प्रोटोसन के ऑर्बिट में आ गया, तो इसके मदार में, इसके ऑर्बिट में ये घूमना शुरू हो गया, ठीक है, कौन, फिलामेंट, उसका इसने नाम रखा फिलामेंट, ठीक है ना। अब चूंकि ये इस प्रोटोसन से दूर हो गया क्योंकि प्रोटोसन गैसियस था, गर्म था, तो जब ये इससे अलग हो गया तो ऑटोमेटिकली ये कूल हुआ, और जब कूलिंग होती है, एवरीबॉडी नोज, कूलिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, हीट से एक्सपेंशन होती है, कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब चीज अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो ब्रेक हो जाती है। देखो, आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस पैदा होंगे तो आपको उन सब के आंसर मिलेंगे। ब्रेक्स, जब क्या हुआ, कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुई, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो चीज ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो ये भी टूट गया, दिस फिलामेंट, ये भी ब्रेक कर गया, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इस तरह से ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद
हर मैटर कॉन्डेंस्ड हुआ, ये इसके टुकड़े बने, इस तरीके से इसके पार्ट्स बने, और हर पार्ट, अब इधर स्मॉल पार्ट है तो यहां से स्मॉल प्लेनेट बने, इधर सेंटर में लार्ज पार्ट है तो ये कंडेंस होके बड़े प्लेनेट्स बने, और यहां पर एंड पे स्मॉल है तो एंड पे वापस स्मॉल प्लेनेट्स बने। तो ये टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स चेंज थी। उसने यही कहा कि एक इंड्यूडिंग स्टार जो कि प्रोटोसन के करीब से गुजरा, एक फिलामेंट सिगार शेप्ड मैटर इजेक्ट किया, वो सिगार शेप्ड मैटर कूलिंग हुआ, कूल से कॉन्ट्रेक्शन हुई, चीज अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्रेक होगी, उस 7-8-9 पार्ट में ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हर पार्ट कॉन्डेंस्ड होके एक प्लेनेट बन गया, हर पार्ट कॉन्डेंस हो गया। अब क्यों कॉन्डेंस हुआ, ये भी क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन यू शुड वेट, यू मस्ट वेट। अब ये उसने चीज बताई। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस थ्योरी को कहां से फेवर मिला, कौन सी चीजें ऐसी थी जो इस थ्योरी को फेवर कर रही थी। तो सबसे पहली बात, एविडेंसेस की बात करें अगर, तो एविडेंसेस में सबसे पहले अगर हम नजर दौड़ाएं आज की प्रेजेंट डे प्लैनेट अरेंजमेंट के ऊपर, तो आपको पता है कि सबसे पहले आता है मरकरी, देन वीनस, देन हमारी अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, और देन प्लूटो, जो अब प्लैनेट नहीं रहा लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इस तरह की अरेंजमेंट है। अब यहां देखिए, एक बिल्कुल एक सिंपल और एक अरेंजमेंट है, देखिए पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ये मार्स है। मार्स एक एक्सेप्शन है, मार्स को छोड़कर अगर आप बाकी प्लैनेट्स देखें तो कोई ऑर्डर में फर्क नहीं आ रहा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा छोटा। देखो ये थी प्रेजेंट डे अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, और चूंकि अगर हम देखें फिलामेंट जो इजेक्ट हुआ था वो फिलामेंट भी इसी तरीके का था, वो फर्दर पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, और इधर अगर स्मॉल मैटर है तो यहां से स्मॉल प्लैनेट्स बनने चाहिए, और सेंटर में लार्ज मैटर है तो लार्ज। जेम्स चेंज ने भी यही कहा, इस फिलामेंट के सेंटर पोर्शन से बड़े प्लैनेट्स बने, जुपिटर और सैटर्न वगैरह, और इसके जो टैपरिंग एंड्स थे वहां से स्मॉल प्लैनेट्स बने। तो ये इसको कन्फर्म कर रहा है, प्रेजेंट डे अरेंजमेंट इज कन्फर्म्ड बाय दिस फिलामेंट, बाय दिस फिलामेंट। सो एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला। और प्लूटो की जब डिस्कवरी हुई तो फिर तो और इसके मजे हो गए इस थ्योरी के, क्योंकि प्लूटो सबसे छोटा आया और टैपरिंग एंड वाला प्लेनेट सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे कम मास तो इस जगह पे है। तो इस वजह से भी इस कॉन्सेप्ट को एक इनहेंस मिला, फर्दर इनहेंस मिला। तो ये इसका पहला एविडेंस था। क्या पहला एविडेंस था? और ऑर्डरिंग ऑफ द प्लैनेट्स, प्रेजेंट डे अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। और सेकंड था कि सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स। दूसरा एविडेंस ये था, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार ने इस पर फोर्स लगाई, फिलामेंट बना, फिलामेंट से बन गए जी प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स भी हैं और सन भी है, और प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट कैसे बनी? प्लैनेट्स, सन ने प्लैनेट्स पे फोर्स लगाई और प्लैनेट्स से मैटर इजेक्ट हुआ, उस मैटर से जी प्लैनेट्स के सैटेलाइट बने, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स चेंज में ये बात भी है कि अभी तो हमें देखा कि प्लैनेट्स कैसे बने, तो प्लैनेट्स की सैटेलाइट कैसे बनी, वो भी उसी प्रोसेस से, बाय रेपिटेशन ऑफ द सेम प्रोसेस सैटेलाइट्स आर फॉर्म्ड फॉर द प्लैनेट्स। अब देखो अगर उसी प्रोसेस से, ये मान लो प्लैनेट है, तो किसी प्लैनेट की अगर सैटेलाइट भी उसी प्रोसेस से बनी, सैटेलाइट्स भी उसी प्रोसेस से निकली, तो सैटेलाइट्स के अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि जो छोटी सैटेलाइट्स हैं वो एंड्स पे होनी चाहिए और बड़ी सैटेलाइट्स मिडल में, है ना? तो यही बात कंफर्म होगी जब हमने जुपिटर और सैटर्न के मून्स देखे, क्योंकि उनके ढेर सारे मून्स हैं, तो उन मून्स में एक बात पाई गई, जो स्मॉल मून थे वो एंड्स पे थे, बड़े मून्स सेंटर पे थे, फिर स्मॉल मून्स दूसरे एंड पे थे। तो ये मून्स के लिए बात कंफर्म हुई, तो यहां से इसको एक इनहेंस मिला, एक और पॉजिटिव पॉइंट मिला, किसका? इस टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स चेंज का। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन जेफरी ने कौन कौन सी की। तो जेफरी ने जो मॉडिफिकेशन की वो इस बेसिस पे की कि उसने ट्राईहेड्रल कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसने कहा यूनिवर्स दो चीजों से नहीं बना, प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार तो थे, उसने कहा एक और स्टार था अभी में कॉम्पेनियन स्टार, तीन चीजों से मिलकर बना। उसने कहा इंट्रूडिंग स्टार पूरे यूनिवर्स में घूम रहा था, जैसा कि जेम्स चेंज ने कहा,
और वो धीरे धीरे करीब आ रहा था जो जेम्स चेंज ने कहा, लेकिन जेम्स चेंज ने कहा था कि वो धीरे धीरे प्रोटोसन के करीब आ रहा है, जेफरी ने कहा नहीं नहीं वो धीरे धीरे कंपेनियन स्टार के करीब आ रहा था। और क्योंकि इंट्रूडिंग स्टार बहुत बड़ा था तो जैसे ही कंपेनियन स्टार के करीब आया तो उसने इसको टक्कर मारी, कोलिजन हुई, कोलिजन की वजह से क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो ये स्मैश्ड एंड शैटर्ड, ये टूट फूट गया, कुछ मैटर इसका यूनिवर्स में बिखर गया। लेकिन कुछ मैटर इस प्रोटोसन के इर्द गिर्द घूमने शुरू हो गया, रिवॉल्व करने शुरू हो गया, ठीक है। और इसने यही कहा ये जो मैटर और जो इंट्रूडिंग स्टार था इससे कोलाइड करके पतली गली से निकल गया। अब जो मैटर इसके इर्द गिर्द घूम रहा था वही मैटर कूल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंडेंस्ड हुआ, उसी मैटर से क्या बने, प्लैनेट्स बने, ये कहा जेफरी ने। और जेफरी ने इसके इरोनियस कॉन्सेप्ट और वीक पॉइंट्स को दूर करने की कोशिश की। कौन कौन से वीक पॉइंट, जैसे कि उसने कहा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से टाइड्स जनरेट हुई, फिर वो फिलामेंट निकला। अब तो काफी सारी कि वो मैटर कैसे निकला, तो इसने उस मैटर को ही वो मैटर वाला कॉन्सेप्ट ही इलिमिनेट कर दिया। इसने सीधा कहा कि इंट्रूडिंग स्टार ने जब कंपेनियन स्टार के साथ कोलिजन किया तो जो डेब्रिस, जो मलबा इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ उससे प्लैनेट्स बने। सो प्रोटोसन से मैटर निकलने की बात जो बहुत सारे साइंटिस्ट को हजम नहीं हो रही थी वो इसने दूर कर दी। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इरोनियस कॉन्सेप्ट, वीक लिंक्स जेफरी ने मॉडिफाई किए। अब जो आपके माइंड में क्वेश्चंस पैदा हुए थे उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और वो असल में क्रिटिसिज्म्स हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया और बहुत सारी गलत बातों को उजागर किया। तो जेम्स चेंज ने ना कंडेंसेशन के बारे में बताया कैसे हुई, और एक क्रिटिसिज्म ये बना कि बी लेविन ने कहा कि यूनिवर्स जो है इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, और दो चीजों के बीच में कोलिजन होना, जैसे जेम्स चेंज ने कहा वो स्टार उसके करीब आ गया, अब चूंकि वो प्रोटोसन बहुत छोटा है और यूनिवर्स इनफाइनाइट है और सिर्फ दो स्टारों के बीच में कोलिजन हो जाना इट इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत मुश्किल है, 0.01% कि उनके बीच में कोलिजन हो। तो इसको भी कोलिजन ही कहते हैं, अगर कोई चीज किसी पर फोर्स लगा रही है और पास से गुजर जा रही है उसको भी हम एक किस्म का कोलिजन ही कहते हैं। तो इस तरह की चीज कैसे पैदा हो गई, अगर वो दोनों स्टार इनफाइनाइट यूनिवर्स में थे और एक उसमें से स्टेशनरी भी था, एक स्टेशनरी था और सिर्फ एक स्टार ही घूम रहा था, और इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में बहुत ही मुश्किल है और बहुत रेयर चांसेस है कि उनके बीच में कोलिजन हो जाए, तो इस बात को भी वो कुछ अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया जेम्स चेंज। तो नंबर टू पे एक बात, कंडेंसेशन के बारे में जेम्स चेंज नहीं बताया कि किस तरीके से वो जो फिलामेंट था उसमें कंडेंसेशन हुई, उसका प्रोसेस क्या था। उसके बाद ये भी नहीं बता पाया जेम्स चेंज के जो उनके बीच में डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना था, फोर्सेस कितनी लगी, तो ये चीज भी नहीं वो बताया। उसने सिंपल कहा कि बस फोर्सेस लगी, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाया वो। उसके बाद जो एनएन प्रिस्की ने इसको फेल ही कर दिया कि टाइडल हाइपोथेसिस जो है वो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो प्लैनेट्स और सन के बीच में है वो बता ही नहीं सकती, इसके अंदर इतना दम ही नहीं है। सो ये सारी बातें इसके क्रिटिसिज्म बने। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ चेंज एंड जेफरी।